वेलकम टू ऑल ऑफ, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास ये एक 24 इंच के एक एलईडी रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर ऐसी है कि एक मैकेनिक ने, फिर दूसरे मैकेनिक ने और तीसरे मैकेनिक ने मतलब मना कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा, बोर्ड ही चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसी समस्या आई है? सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। देखो, ये इसकी मैन लीड है। मैन लीड हमने बोर्ड में लगाई, बोर्ड में लाइन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आया। कस्टमर कहना है कि यहाँ पे रेड लाइट जलती थी। तो चलिए इसे बैक साइड से कर लेते हैं और इसको सीधा कर लेंगे और इसके यहाँ पे जितने पेच वेच लगे हुए हैं ये पेच खोल लेंगे सारे। सबसे पहले पेच खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके सारे पेच, आप देख सकते हैं, सारे खुल गए हैं। अब आपको इसे इस तरह से करना है, ठीक है, ये आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पे इस जो स्पीकर का कनेक्टर वो निकाल लेंगे और मैन लीड को इसमें को निकाल लेंगे वापसी करके, ठीक है। और इसका ये भी खोलना पड़ेगा इंडिकेटर के लिए, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है। तो बोर्ड तो काफी साफ लग रहा है देखने में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, रिपेयर करना शुरू करते हैं और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसको करेंगे रिपेयर। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक मल्टीमीटर, हमने लिया मल्टीमीटर, मल्टीमीटर करेंगे ऑन। हम स्टार्टिंग देखिए कहाँ से करेंगे, हम आपको बताएंगे। देखो, यहाँ पे मेन लीड लगी हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी और यहाँ से सारा सिस्टम चेक करते हुए सेकेंडरी सेक्शन में आएंगे। इतना एरिया जो आप देख सकते हैं, इससे ये उरे उरे, ये हमारा सेकेंड मतलब प्राइमरी है और इसके परली तरफ जहाँ कोल्ड लिखा हुआ है ये हमारा सेकेंडरी है। यानी कि जो हॉट लिखा हुआ है ये प्राइमरी है और ये हमारा कोल्ड की तरफ सेकेंडरी है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों तरफ हम वोल्टेज फाइंड करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए ज़रूरत होती है और जिससे हमारा बोर्ड एकदम परफेक्ट तरीके चलता है, जो जो कंपोनेंट लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले मेन लाइन में कनेक्ट करते हैं ऐसे ही। और आप यहाँ पे देखेंगे ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे कोई लाइट नहीं है, तो इंडिकेटर को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, यहाँ पे रख देंगे जिससे कि चमकता रहे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसी पे वोल्टेज चेक करनी है जब ऐसी कंडीशन में डेड हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे 325 वोल्ट डीसी के बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। अगर हम सीधी तरफ से लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 325 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्राइमरी जो सप्लाई है उसका फिल्टर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा सेक्शन ठीक हो सकता है। तो अब हमें सेकेंडरी में चेक कर लेना है। अब सेकेंडरी में चेक करने के लिए जो आप यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं ना मेटल का, तो हमें यहाँ पे एक प्रोब फिक्स कर लेनी है ग्राउंड के लिए। फिक्स कर ली, अभी हमने मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर के लिए देखो दो सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर तो लगा लिया, अब उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस चेक करनी है। पर सबसे पहले ये यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है। इसके बीच वाले पॉइंट पे जो है यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए। तो 12.22 वोल्टेज बिल्कुल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दुखद खबर ये है नए टेक्नीशियन के लिए, जब इसके अंदर 12 वोल्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा, ठीक है, ये इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा, ये चीज़ है मेन चीज़, ठीक है। अब उसके बाद एक डायोड यहाँ पे है बैकलाइट के लिए, इस पर देखते हैं 12 वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो 12.03 वोल्ट यहाँ पे परफेक्ट है। तो यानी कि जो इसके अंदर वोल्टेजेस बनते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी जो सप्लाई एरिया है वो ठीक है। अब हम चेक करते हैं रेगुलेटर एरिया। रेगुलेटर एरिया कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे छोटी छोटी कॉयल देख रहे हैं दो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे कॉयल है, ये कॉयल है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे मेमोरी लगी हुई है। तो मेमोरी के पिन नंबर 8 पे हम 3.3 वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले ये मेमोरी है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो डॉट देख सकते हैं यहाँ पे डॉट जो है, ये देखो यहाँ कोने पे डॉट है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डॉट से यहाँ गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू टाइप में, तो पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्टेज आनी चाहिए। तो 3.3 वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आपके 5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट वाली कॉयल इन पे वोल्टेज देखते हैं, तो देख सकते हैं एसी के 3 वोल्ट आ रहे हैं जबकि ये डीसी में आने चाहिए थे। यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे इस वाली कॉयल पे सॉरी यहाँ पे 1.2 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट, ये देख सकते हैं। अगर इस डाटा शीट का अगर इसकी चेक करें तो यहाँ पे जो ये वाला बोर्ड है PB8 इसकी डेटा शीट कहती है, जो ये हमारे ये जो लगा हुआ है ये वाली कॉयल इंडक्टर कॉयल, यानी कि लोकेशन नंबर ये 4R7 वाली, ठीक है, यहाँ पे 2R2 की है, एक यहाँ पे 4R7 है, ठीक है, 4.7 ओम वाली कह सकते हो। तो यहाँ पे तो हमारी 5 वोल्ट आती है, लेकिन जो दूसरे वाला है उस पर 2.2 वोल्ट आती है उसके रेगुलेटर से, वो 1.8 या 1.2.2 किसी में रहती है, लेकिन इस वाले की डेटा शीट कहती है 1.2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 एसी वोल्टेज आने जबकि यहाँ डीसी आने चाहिए थे। दूसरी कॉइल पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 वोल्ट।
तो दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी लगी हुई है ना यहाँ पे, ये जो रेगुलेटर आईसी है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे। ये देख सकते हैं 1 नंबर ग्राउंड दे रखी है, दूसरी देखते हैं, और जो पिन नंबर 8 है वो हमारी सप्लाई पिन है। तो 8 वोल्टेज यहाँ पे, 6 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे ठीक आ रही है। अब यहाँ पे जो ये कॉयल लगी हुई है इसकी दोनों तरफ यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए थी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं एक तरफ आप देख सकते हैं 94 ओम आ रहे हैं कॉयल की, दूसरी तरफ आप देखो यहाँ देखो 94 ओम आ रहे हैं। और अगर मैं इधर की तरफ लगाता हूँ तो इधर क्या आता है, इधर एसी के वोल्टेज मिले इसने, यानी कि हमें कुछ लग रहा है कि इस कॉयल में कोई ना कोई घपला है। तो हम पहले सेट को बंद करते हैं और इस कॉयल को चेक कर देते हैं। देखो मैं अगर किसी भी सर्किट बोर्ड में अगर आपको दिखाऊं, देखिए मेरे पास ये सर्किट बोर्ड है, अगर इस सर्किट बोर्ड में दिखाऊं किसी भी कॉयल को अगर हम चेक करते हैं तो बीप साउंड आएगा। रीजन क्या है, ये एक इंडक्टर कॉयल है, देखिए बीप साउंड है। ऐसे ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, बीप साउंड है, ये देखो यहाँ पे बीप साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कॉयल लगी हुई है 2R2 की, इस पर बीप आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पर किलो ओम में रीडिंग आ रही है। अब ये इसमें खराब क्या हुआ होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ज्यादा दिन हो जाते हैं, पुरानी हो जाती है कॉयल, तो इसमें अंदर ही अंदर कॉपर रहता है, वो गलने लगता है। गलने के कारण क्या होता है कि वो खराब हो जाता है। तो चलिए पहले इस कॉयल को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हल्का सा पेस्ट डालेंगे, यहाँ पे हल्का सा पेस्ट डाला, ठीक है। अब हम SMD मशीन से निकालेंगे इसको, हमने SMD मशीन ली, SMD मशीन को 370 के आसपास गर्म करा और हीट थोड़ी सी, अब ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसका ये जो है केबल निकाल लेते हैं, केबल निकाला और इस जम्पर को भी यहाँ से निकाल लेते हैं, जम्पर को इधर रख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस कॉइल को निकालना है, 2R2 की कॉइल है, ठीक है। हमने कॉइल निकाल दी है यहाँ से, ठीक है, ये कॉइल निकाल दी। अब 2R2 की कॉइल हम यहाँ से कोई भी एक अपने बोर्ड के अंदर से लगा देंगे। देखो मैं यहाँ से बोर्ड को थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ, हमारी एक कॉइल यहाँ पे लगी हुई है 2R2 की, थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, देखो तो यहाँ से हमने निकाल दिया, आप देख सकते हैं ये 2R2 कॉइल निकाल दी। और इस कॉइल को हम वहीं पे लगाएंगे, अभी पहले इस बोर्ड को एक तरफ करते हैं, ये देख सकते हैं हमने कॉइल को वहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसे मशीन को एक तरफ रख देंगे, अब थोड़ी सी जो है ना हल्का सा पेस्ट डाल करके इसको सोल्डर भी कर देंगे एक तरफ से, ठीक है। ऑटो पे देखो इसे हल्का सा यहाँ से सोल्डर भी कर दिया, क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभार मशीन से एक आधी पिन सोल्डर नहीं हो पाती, ठीक है, लग गया। थोड़ा सा गोल्ड होने देंगे, काफी ज्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। अब एक बार इसका ये लगा करके वोल्टेज फाइंड करते हैं, और ये जंपर इसका वापसी ऐसी लगा देंगे जो 12 वोल्ट पे लगा था पैनल पे, ठीक है। अब एक बार वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे अभी एक बार वोल्टेज देख लेंगे कि हमारे 1.2 के आसपास में वोल्टेज बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्टेज आ चुके हैं कॉइल के एक तरफ, ठीक है। अब एक बार दूसरी तरफ देख लेंगे, तो देख सकते हैं दोनों तरफ दोस्तों 1.2 वोल्टेज आ चुके हैं। और अभी एक बार देखेंगे LED की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे LED की तरफ देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो LED है हमारी ऑन हो चुकी है, ये देखिए। एक बार बंद करके दोबारा चलाते हैं, ये देखो ये हमने यहाँ से बंद करी, ऑन किया,
ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रेड इंडिकेटर भी आया आपके सामने। रेड इंडिकेटर बंद होते ही तुरंत हमारी एलईडी में लाइट आ जानी चाहिए। अभी यह देख लो आप, ये देख लो बिल्कुल लाइव आपके सामने रेड इंडिकेटर बंद हुआ और एलईडी चल चुकी है। तो आपने यहाँ पे देखा कितनी आसानी से हमने एक एलईडी टीवी को रिपेयर किया। बस आपको क्या है कि आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट इस चीज के लिए है, यहाँ पे इतनी वोल्टेज आनी चाहिए और नहीं आ रही तो हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ये कंपोनेंट है तो ये किस चीज के लिए है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो में सिखाई हुई है, हमारी वीडियो आप जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उस पर हमने सारी चीजें बता रखी है। अब किए इनकी हमें पता कैसे लगे कि इस कॉइल पे इतनी वोल्टेज आती है, इतनी कॉइल आती है। एक तो दोस्तों जब आप काम करते रहते हैं एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर नहीं पता तो आपको ये जो बोर्ड नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बोर्ड नंबर है बोर्ड नंबर डालना है आपको गूगल पे और आपको गूगल पे इसका डेटा पता लग जाएगा, इसके पे कितने कितने वोल्टेजेस कितने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आते हैं। तो उस हिसाब से आप वोल्टेज फाइंड कीजिए और उस चीज़ को रिपेयर कीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही एलईडी है, वही सब कुछ है, आसानी से रिपेयर हो गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा, तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।